और इस बीच बाड़मेर में मानवेंद्र सिंह की स्वाभिमान रैली भी हो रही है, जहां आज पचपर्दा में जसवंत समर्थक जुटने लगे हैं। जसवंत सिंह के पुत्र हैं विधायक मानवेंद्र सिंह, जिन्होंने स्वाभिमान रैली बुलाई है। रैली के दौरान जसवंत सिंह अपने भविष्य की राजनीति के बारे में अहम घोषणा कर सकते हैं। जयपुर से राजपूत सभा भवन अध्यक्ष गिरिराज सिंह, लोटवाड़ा हनुमान सिंह, मोहन सिंह बक्कड़, दुर्ग सिंह, सुखदेव सिंह कोकामेडी बाड़मेर पहुंच रहे हैं। आज तय होगा मारवाड़ की राजनीति का किंग कौन है। पचपर्दा में स्वाभिमान रैली आज कर रहे हैं मानवेंद्र सिंह, और रैली में कई बड़े नेताओं के आने की चर्चा है। रैली में जुटने लगे हैं मानवेंद्र के समर्थक, मानवेंद्र जो कि काफी समय से पार्टी से नाखुश हैं और पार्टी के कार्यक्रमों में भी वे नहीं पहुंचते। जब बीजेपी के अन्य नेताओं से बात की जाती है तो उनका कहना है कि वे नाराज हैं, कई बार उन्हें कार्यक्रमों में बुलाया जाता है लेकिन वे नहीं पहुंचते। और आज देखना होगा कि क्या मंच से मानवेंद्र आज ऐलान करते हैं। पचपर्दा में आज स्वाभिमान रैली बुलाई गई है, मारवाड़ की राजनीति का भविष्य तय होगा। वहीं बीजेपी से काफी समय से मानवेंद्र खफा है, लेकिन आज जो घोषणा होगी उससे बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। स्वाभिमान रैली में काफी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें भी आप देखिए। मानवेंद्र के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, एक मंच पर राजपूत समाज के लोग मौजूद रहेंगे। राजपूत रावणा राजपूत समाज के अलावा 36 कौम के लोगों को रैली में न्योता दिया गया है, जुटने लगे हैं। जसवंत सिंह के पुत्र विधायक मानवेंद्र सिंह ने स्वाभिमान रैली बुलाई है, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्वाभिमान रैली की ही, जहां काफी संख्या में लोग मौजूद हैं मानवेंद्र के समर्थक। माना जा रहा है कि बीजेपी के असंतुष्ट और राजपूतों के असंतुष्ट लोग इस रैली में पहुंचेंगे। तय होगा आज मारवाड़ की राजनीति का भविष्य। पचपर्दा में ये स्वाभिमान रैली बुलाई गई है, जहां मानवेंद्र सिंह जो कि पिछले 4.5 सालों से पार्टी में हाशिए पर हैं, वे किसी कार्यक्रम में पहुंचते नहीं हैं, नाराज वे हैं। जसवंत सिंह के लिए जहां टिकट मांगा गया था लोकसभा चुनावों के लिए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था, तभी से उनकी नाराजगी रही है। हालांकि इससे पहले जहां मानवेंद्र सिंह की पत्नी भी समय समय पर पार्टी के खिलाफ खुलकर हमले बोलती रही हैं, पार्टी को हराने की बात उन्होंने कही थी सभाओं में, और अब मानवेंद्र सिंह आज यहां से क्या घोषणा करते हैं इस पर सभी की निगाहें हैं। तो मानवेंद्र सिंह की आज स्वाभिमान रैली है, राजपूत रावणा राजपूत 36 कौम के लोग रैली में, इन्हें न्योता मिला है। मारपाड़ की राजनीति की आज दिशा तय होगी ये माना जा रहा है। जसवंत सिंह के बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं जसवंत सिंह, शिव विधानसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह पहले भी बगावती तेवर दिखा चुके हैं। मानवेंद्र का बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर में काफी प्रभाव है। 2014 में कटा था जसवंत सिंह का टिकट, जब तभी से उनकी नाराजगी जारी है। जसवंत की जगह बाड़मेर से सोनाराम को टिकट मिला था पार्टी की ओर से। जसवंत ने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन मोदी लहर के बावजूद 4 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने पाए थे। मानवेंद्र का बाड़मेर और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में दबाव है। हालांकि जसवंत सिंह जिन्होंने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वे चुनाव हार गए थे, और आज मानवेंद्र सिंह स्वाभिमान रैली बुला रहे हैं। इससे पहले जहां उन्होंने और उनकी पत्नी ने कई कार्यक्रमों में पहुंचकर इस स्वाभिमान रैली में लोगों को निमंत्रण दिए थे, और आज काफी संख्या में लोग भी यहां पहुंचे हैं। मानवेंद्र सिंह जब मंच पर होंगे तो क्या घोषणा की जाती है इस पर निगाहें हैं। हालांकि अटकलें ये भी हैं कि वे कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में जाने की राह भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का इन क्षेत्रों में जाटों में काफी दबदबा है। जो वोट बैंक है वो जाटों का है, ऐसे में कांग्रेस भी जाटों को नाराज नहीं करना चाहेगी। तो ये सभी की निगाहें इस कार्यक्रम पर हैं, इस रैली पर हैं कि स्वाभिमान रैली में आज मानवेंद्र सिंह क्या ऐलान करते हैं। हालांकि वे सीधे पार्टी पर, मुख्यमंत्री पर हमला करने से बचते रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी चित्रा सिंह लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर रही हैं, पार्टी पर हमलावर रही हैं, पार्टी को हराने तक का वे आह्वान कर चुकी हैं लोगों से। लेकिन आज मानवेंद्र सिंह क्या कहते हैं, क्या घोषणा करते हैं, ये सभी आज टकटकी लगाए देख रहे हैं कि जब मानवेंद्र सिंह मंच पर पहुंचेंगे तो वे क्या ऐलान करते हैं। एक मंच पर राजपूत समाज के प्रमुख लोग आज पहुंच रहे हैं, दिल्ली से भी कई लोगों के पहुंचने की संभावना है।
बताया जा रहा है कि बीजेपी के असंतुष्ट और राजपूतों के असंतुष्ट लोग आज मानवेंद्र सिंह की स्वाभिमान रैली में मौजूद रहने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या राजनीति का समीकरण आज की इस रैली से बदल जाएगा? रैली में शामिल होने वाले लोगों की सलाह पर ही आगे की रणनीति बनेगी, ये मानवेंद्र ने कहा था। मानवेंद्र के लिए कांग्रेस की राह भी आसान नहीं है। बाड़मेर में कांग्रेस की राजनीति हमेशा जाटों पर केंद्रित रही है और इस बीच पार्टी जाटों को नाराज करने का खतरा नहीं उठाना चाहती है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की निगाहें भी मानवेंद्र की इस रैली पर टिकी हुई हैं, जहां अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं राजस्थान। अमित शाह ने इस बारे में सांसद गजेंद्र सिंह से भी चर्चा की। ये भी खबर है, बीजेपी नहीं चाहेगी कि राजपूत समाज का सबसे महत्वपूर्ण परिवार पार्टी को छोड़े, इसलिए पार्टी ने अंतरखाने ही मानवेंद्र को मनाने की पहल भी की। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आज क्या मानवेंद्र की ओर से घोषणा की जाती है। समाज के बीच जाकर मानवेंद्र स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, इसके कई मायने हैं। रैली में शामिल होने वाले लोगों की सलाह पर ही रणनीति बनेगी, ये मानवेंद्र ने पहले भी कहा था। संभावनाएं अटकलें इस बात की भी हैं कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं कि कांग्रेस में भी जाने की राह मानवेंद्र की इतनी आसान नहीं है, तो अब मानवेंद्र क्या फैसला लेते हैं, ये एक बड़ा एरिया है जिसमें राजपूत समाजों का एक बड़ा दबदबा बना रहता है और मानवेंद्र सिंह, जसवंत सिंह का परिवार इस क्षेत्र में बड़ी साख रखता है। ऐसे में राजपूत समाज को साथे रखने के लिए जसवंत सिंह की, मानवेंद्र सिंह की पार्टी में खासा जरूरत है बीजेपी में। ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाह रही कि मानवेंद्र पार्टी से अलग हो या फिर कोई और फैसला ले। खबर ये भी है कि मानवेंद्र को मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अब मानवेंद्र क्या फैसला इस पर ले चुके हैं, क्या घोषणा करते हैं, इसका इंतजार सभी को है। तो सभी इस रैली में जुट चुके हैं और इंतजार है मानवेंद्र सिंह का मंच पर पहुंचने का। वे क्या ऐलान, क्या घोषणा करते हैं, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, इसकी संभावना क्या है, ये भी आप जानिए। जहां कांग्रेस में जाटों को नाराज नहीं किया जा सकता है, ये संभावना है, इस वजह से कांग्रेस में भी शामिल नहीं हो